ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू की उड़ाई जा रही धज्जिया, हाथ में कट्टा लेकर खुलेआम बेखौफ घूमता बदमाश, आरोपी युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बड़वानी जिले के सैधवा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जिया, आम जनता में नहीं कोरोना को लेकर कोई गंभीरता, ना मुंह पर मास्क और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अपनी जान से खिलवाड़ करते नजर आए लोग, पुलिस प्रशासन का उदासीन रवैया आया सामने, दुकान बंद कराने पर बलवाड़ी ग्राम पंचायत सचिव नंदू ठाकरे से दुकानदारों ने किया विवाद। भिंड जिले के आलमपुर में कोविड वैक्सीनेशन हुआ शुरू, शनिवार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा टीकाकरण, CHO तथा ANM सुधा देवी ने लगवाया टीका, पटवारी मनोज पाराचौर की देखरेख में किया जा रहा वैक्सीनेशन। इंदौर की जेलों में किया जाएगा कैदियों का वैक्सीनेशन, सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय जेल के वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा, कैदियों को वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड की नहीं होगी जरूरत, PID कार्ड के माध्यम से कराया जाएगा टीकाकरण, 1400 बंदियों में से 45 से ज्यादा उम्र के 300 कैदियों को लगाया जाएगा टीका। इंदौर जिला कोर्ट में टीन शेड तोड़ने पर वकीलों में गुस्सा, नाराज अधिवक्ताओं ने DIG को सौंपा ज्ञापन, नगर निगम अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, पूरे मामले की CBI से जांच कराने की मांग।